अमोर नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 से समाज सेवी सनोज कुमार की पत्नी मधु कुमारी ने अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नॉमिनेशन के दरमियान समर्थकों ने मधु देवी एवं समाज सेवी सनोज कुमार का माला पहनाकर जबरदस्त स्वागत किया और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रत्याशी मधु कुमारी ने कहा कि जनता का पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है और उनका लक्ष्य वार्ड नंबर 8 का समुचित विकास करना है। मोर नगर पंचायत वार्ड संख्या 8 से वार्ड पार्षद का प्रत्याशी मेरी पत्नी है जो मधु कुमारी है। इस बार मैं आप सभी के बीच में सेवा की भावना से आया हूं। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं, एक बार सेवा का मौका दें और जहां तक जो भी सुविधाएं हो, जो भी योजनाएं हो सरकार के द्वारा संचालित होती है पारदर्शिता के साथ उसे मैं धरातल पर उतारने का काम करूँगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होगा, कार्यालय से लेकर के जनहित तक जो लोग हैं उन सब का कार्य बखूबी मैं निभाने का कार्य करूंगा। 24 घंटे जनता के बीच समर्पित हूं। एक्चुअली पैसे से मैं पत्रकार हूं पहले से भी, तो समाज में मेरी अच्छी पकड़ भी है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। मैं आप लोग से नम्र निवेदन करता हूं कि शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाली को दूर करने का काम करूंगा। अमोर नगर पंचायत में डेवलप हो गया है लेकिन बिजली की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, घंटों घंटों लाइन बाधित होती है। एक नगर पंचायत होने के कारण आप समझ सकते हैं कि हम 20 से 22 घंटा बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा है। मेरा संभवतः प्रयास होगा कि हमारे यहाँ रेफरल अस्पताल है, साथ में ही साथ उप स्वास्थ्य केंद्र भी बन चुका है जो मेरे वार्ड में है, वो उस उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधा बहाल हो, डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति हो। दूसरी ओर जनता के बीच में हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहने का कार्य करूंगा। पत्रकारिता करते हुए आप राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, इसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? दरअसल देखिए, हमेशा मैं समस्याओं से घिरा रहता हूँ, रोज प्रतिदिन आए दिन समस्याओं का अंबार में देखता हूँ, ठीक है। और जहाँ तक सवाल है, मैं पत्रकारिता करते हुए मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरी पत्नी जो मिस मधु कुमारी है प्रतिनिधित्व आ रही है, प्रतिनिधि तो मैं ही रहूँगा। तो मेरा कहना यह हुआ कि जो भी समस्या है मैं बेखूबी जानता हूँ और लोगों की समस्याओं का निराकरण भी मैं अविलंब करवाने में समर्थ हो सकता हूँ। समय बदल चुका है, बच्चियाँ पढ़ती है, बहुत आगे तक जाती है, तो ब्यूटिशियन का कोर्स हो या फिर टेलरिंग का कोर्स हो उन सब के लिए ही व्यवस्था करवाऊंगा ताकि बच्चियाँ जो है कि अपने में कुछ हस्तकला का कार्य सीख सकें। सर, अंतिम सवाल ये है कि आप अपने वार्ड के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनताओं से मेरा अपील है सभी माताओं बहनों भाइयों से कि एक बार सेवा का मौका दें। पहली बार चुनाव में आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जनता मुझे भारी अपार समर्थन देकर जिताने का काम करेगी।